अस्सलामुअलैकुम। होमोमॉर्फिज्म इन वेक्टर स्पेस डिस्कस किया था मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर में। इससे मैंने इसमें दो डेफिनेशंस आपको बताई थी, एक कर्नल ऑफ जो होमोमॉर्फिज्म था इन वेक्टर स्पेस वो डिस्कस किया था मैंने आपके साथ, और ये बताया था कि वेक्टर स्पेस में होमोमॉर्फिज्म क्या होती है, इसको किस तरीके से डिफाइन किया जाता है। अब यानी मतलब मैंने आपको अपने पिछले लेक्चर में लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में भी बता दिया था और कर्नल ऑफ टी के बारे में भी बता दिया था। आर टी हमारे पास क्या है, मैं आपको थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन बता देती हूँ कि आर टी हमारे पास जस्ट वो रेंज के एलिमेंट हैं जो वी टू के अंदर हमारे पास आते हैं। मसलन अगर हमारे पास मैपिंग हुई है, फॉर एग्जाम्पल वी वन है और वी टू है यहाँ पर, और यहाँ पर एलिमेंट्स हैं वी वन के वेक्टर स्पेस जो हमारे पास वी वन है उसके, यहाँ वी टू के हैं, तो जो टी मैपिंग कर रही है उससे हासिल होने वाले यानी इस सेट के जो एलिमेंट्स होते हैं वो हमारे पास आर टी कहलाते हैं। अब मैं अपने थ्योरम की तरफ मूव करती हूँ और मैं अपने थ्योरम की स्टेटमेंट आपके सामने जो है वो रीड करने लगी हूँ। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली न्यू वीडियोज आपको मेरी मिलती रहें। ओके, लेट वी मूव टू थ्योरम। लेट टी फ्रॉम वी वन टू वी टू बी अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। अगर हमारे पास टी जो है वो वी वन से वी टू एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, देन हमारे पास जो कर्नल ऑफ टी होगी वो सबस्पेस होगी ऑफ वी वन में, और जबकि आर टी जो होगा वो सबस्पेस होगा ऑफ वी टू के। ओके, सबस्पेस का क्राइटेरिया मैं आपको थोड़ा सा बताती चलूँ। अपने जो प्रीवियस लेक्चर में इसको मैंने आपको एक डिटेल में बताया हुआ है कि अगर हमारे पास अल्फा एंड एक्स वन प्लस बीटा एक्स टू, मतलब ये जो पूरा का पूरा अगर बिलोंग कर जाए किसी भी, ये क्राइटेरिया अगर किसी भी जो है वो वेक्टर स्पेस के अंदर होता है तो हम ये कहते हैं कि वो उसकी सबस्पेस होती है। मतलब अगर आपने वी वन लिया है एक वेक्टर स्पेस और एक आपने एक डब्ल्यू वन ली वेक्टर स्पेस, ठीक है, और ये बड़ी वेक्टर स्पेस है, तो हम ये कहेंगे कि ये वाली स्पेस इसके सबस्पेस उस सूरत में होगी कि अगर ये क्राइटेरिया, ये वाला क्राइटेरिया इसके अंदर मौजूद होगा, दैट इज़ द अल्फ़ा एक्स वन प्लस द बीटा एक्स टू। हम अल्फ़ा वन मतलब अल्फ़ा और बीटा हमारे पास क्या होंगे, ये एलिमेंट फील्ड के होते हैं, जबकि एक्स वन और एक्स टू एलिमेंट जो होते हैं वो हमारे पास इस डब्ल्यू वन के होंगे, ठीक है। अगर ये क्राइटेरिया जो मैंने यहाँ बताया अल्फ़ा एक्स वन प्लस बीटा एक्स टू इस डब्ल्यू वन के अंदर मौजूद हो जाएगा तो हम ये कह देंगे कि ये वेक्टर स्पेस वी की क्या है, ये सबस्पेस है। मतलब ये एक तरीका है सबस्पेस प्रूव करने का। अगर मज़ीद आपको इसको जानना है तो आप मेरी जो वीडियो है वो लिंक में जाके आप इसको सर्च कर सकते हैं और इसको जो है वो मज़ीद इसको इसके बारे में स्टडी कर सकते हैं। नाउ वी विल मूव टू इट्स प्रूफ। सबसे पहले हमें चूंकि आर टी को मैं सबसे फर्स्ट वाला प्रूफ करती हूँ, आर टी को चूंकि मुझे सबस्पेस प्रूफ करना है वी वन के अंदर, तो हमें कर्नल ऑफ टी में क्या करने पड़ेंगे, दो एलिमेंट्स लेने पड़ेंगे और ये क्राइटेरिया प्रूफ करना होगा, तो वह सबस्पेस हो जाएगा ऑफ वी वन में। Let x1 and x2 is belongs to kernel of T. अगर कोई भी एलिमेंट कर्नल ऑफ T से आपने लिए हैं x1 और x2, तो देन क्या क्या क्राइटेरिया इसके अंदर सेटिस्फाई करेगा, अब वो कर्नल ऑफ T मतलब कर्नल ऑफ होमोमॉर्फिज्म इन द वेक्टर स्पेस अपने माइंड में लेकर आए। कि मैंने क्या बताया था कि अगर कर्नल ऑफ T के एलिमेंट्स किस तरीके के होंगे कि जो उनकी मैपिंग होगी वो ऐसे डिफाइन होंगे, मतलब वो ऐसा सेट जो कि हमारे पास V2 के सिर्फ आइडेंटिटी एलिमेंट पे मैप हो, तो तब हमारे पास ऐसा जो सेट होता है वो कर्नल ऑफ T कहलाता है। अगर आपने कोई से दो एनिमल कर्नल ऑफ T से लिए हैं तो इसका ये मतलब होगा कि T ऑफ X1 हमारे पास इक्वल टू जीरो टू होगा, और जबकि T ऑफ X2 भी हमारे पास जीरो टू होगा। जीरो टू हम इसलिए लिख रहे हैं कि वेक्टर मतलब ये V2 के ना एलिमेंट्स हैं, तो इस वजह से जस्ट रिप्रेजेंटेशन के लिए मतलब उसके आइडेंटिटी एलिमेंट पे जाके ये वाले एलिमेंट मैप करेंगे, ठीक है, मतलब ये क्राइटेरिया इसके अंदर सेटिस्फाई होगा। चूंकि हमें वेक्टर स्पेस प्रूफ करना है तो लेट अल्फा और बीटा हमें दो एलिमेंट्स लेने पड़ेंगे फील्ड में से, और हमें क्या प्रूफ करना है कि टी ऑफ अल्फा एक्स वन प्लस बीटा ऑफ एक्स टू ये पूरा का पूरा हिस्सा मतलब जीरो टू पे अगर जाके मैप कर जाएगा तो ये एलिमेंट के कर्नल ऑफ टी से बिलोंग कर जाएगा। अगर ये एलिमेंट कर्नल ऑफ टी से बिलोंग कर गया तो हम ये बात कहेंगे कि ये क्या है, ये वेक्टर स्पेस है। ओके, टी अल्फा ऑफ एक्स वन प्लस बीटा ऑफ एक्स टू, लेट हमने इसको कंसीडर किया। अब आपको पता है कि हमारी यहाँ पर मैपिंग होगी, अगर हम इसको
अलग अलग अप्लाई करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी मैंने लीनियर ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो आपको वो भी डिस्कस की थी अपने प्रीवियस लेक्चर में। लीनियर ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, इधर मैं थोड़ा सा आपको बताती हूँ कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या है। हमारे पास लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर जो है वो हमारे पास ये होता है कि मैपिंग ऐसे मैप होती है, अगर हम लिखें टी ऑफ अल्फा एक्स वन प्लस बीटा ऑफ एक्स टू, तो हमारे पास ये कैसे हम लिख सकते हैं अल्फा ऑफ टी ऑफ एक्स वन प्लस बीटा ऑफ टी ऑफ एक्स टू, इस तरीके से मैंने आप प्रीवियस लेक्चर में भी आपको बताया था। तो इस तरीके से अगर हमने इसके ऊपर डीप मैपिंग अप्लाई की है इस एलिमेंट पे, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं अल्फा ऑफ टी एक्स वन प्लस बीटा ऑफ टी एक्स टू, इस तरीके से हम लिख सकते हैं। अब हम ये जानते हैं कि टी ऑफ एक्स वन भी हमारे पास जीरो टू के इक्वल है, तो हम इसको यहाँ पर इधर जस्ट वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है। फ्रॉम दिस अगर हम इसको इक्वेशन वन का भी नाम देते हैं या इसका रेफरेंस यहाँ पर दे देते हैं कि जैसे टी ऑफ एक्स वन इज इक्वल टू जीरो टू है और टी ऑफ एक्स टू हमारे पास भी जीरो टू है, जस्ट मैंने यहाँ वैल्यू पुट की, फिर बीटा लिखा और यहाँ पर जीरो टू लिखा, और ये जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये टोटल जीरो ही हो जाएगा। तो दैट इज द टी ऑफ अल्फा एक्स वन प्लस बीटा एक्स टू, मतलब ये जो टोटल एलिमेंट है ये इस जीरो टू पर मैप कर गया। ये बात हमें क्या बताता है कि इस तरह के एलिमेंट जो कि जीरो टू पर मैप करते हैं वो कर्नल ऑफ डी से बिलोंग करते हैं। तो दिस इम्प्लाइज दैट अल्फा ऑफ एक्स वन प्लस बीटा ऑफ एक्स टू इज बिलोंग्स टू कर्नल ऑफ डी, हेंस प्रूव दैट द कर्नल ऑफ डी इज अ सबस्पेस ऑफ वी वन। ओके, मैंने इसका फर्स्ट प्रूफ कर दिया, नाउ वी विल मूव टू इट्स सेकेंड प्रूफ। ओके, अब मुझे प्रूफ करना है कि जो आर टी है वो भी सबस्पेस होगी लेकिन वी टू के अंदर, क्योंकि वी टू में ही होगी ना, क्योंकि आर टी के एलिमेंट वी टू से बिलोंग कर रहे हैं। तो अब इस हिसाब से हमारे पास क्या होगा, वी टू की सबस्पेस होगी जो आर टी के एलिमेंट्स होंगे। इसको प्रूफ करने के लिए लेट हम क्या करेंगे कि दो एलिमेंट्स आर टी में से ले लेंगे, जैसे अभी हमने कर्नल ऑफ टी में लिए थे। अब वाई वन वाई टू होंगे, ऑब्वियस सी बात है ये जस्ट रोटेशन है, क्योंकि ये वी टू के एलिमेंट्स हैं, मतलब जो इमेजेस आफ्टर इमेज से बनने वाला जो एलिमेंट बन रहा है ये वो हैं, इसलिए हम इसको वाई वन वाई टू से जो है वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और हम कहते हैं कि ये एलिमेंट आर ऑफ टी से बिलोंग करते हैं। लेट हमें दो एलिमेंट लेने पड़े, देन अगर ऐसे ही अगर दो एलिमेंट हैं तो देन देयर एग्जिस्ट आ एक्स वन एंड एक्स टू दैट इज बिलोंग्स टू वी वन सच दैट y1 is equal to tx1 and y2 is equal to tx2। obvious सी बात है, देखें अगर हमारे पास y1 y2 rt में है तो इसका मतलब इनका एक प्री इमेज जो है वो v1 के दो एलिमेंट्स के लिए मौजूद होगा। मतलब अगर मैंने यहाँ पर y1 और y2 ये दो एलिमेंट्स लिए हैं तो इसका मतलब इनका कोई ना कोई प्री इमेज मतलब x1 x2 v1 वेक्टर स्पेस के लिए मौजूद होगा, तभी इमेज बनने के बाद ये एलिमेंट हासिल हुए ना। तो तब हम इसको यूँ लिख सकते हैं ना कि मतलब इसका मैपिंग यहाँ पर कोई ना कोई इसका मतलब प्री इमेज यहाँ मौजूद है, इसका भी प्री इमेज इस एक्स वन का इमेज जो है वो हमारे पास वाई वन आ रहा है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि अगर वाई वन वाई टू यहाँ दो एलिमेंट हैं तो इनके लिए कोई ना कोई दो एलिमेंट्स वी वन में होंगे। अगर होंगे तो वो इस तरीके से डिफाइन होंगे, वाई वन इज इक्वल टू टी एक्स वन एंड वाई टू इज इक्वल टू टी एक्स टू, ठीक है। अब नाउ अब हमें चूंकि पता है कि टी इज अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, एस टी इज अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है, चूंकि टी हमारे पास एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है उस हिसाब से हमने ये लिखा कि वाई वन इज इक्वल टू पी एक्स वन है और वाई टू इज इक्वल टू टी एक्स टू है। नाउ अब कंसीडर हमें बिल्कुल उसी तरीके से एक एलिमेंट करना पड़ेगा अल्फा ऑफ एक्स वन प्लस बीटा ऑफ एक्स टू। अगर हमने ये ली है मैपिंग तो एक ऐसे डिफाइन होगी, क्योंकि टी एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है तो ये हमारे पास इस तरीके से डिफाइन हो जाएगा, और बीटा ऑफ टू द टी ऑफ टू द एक्स टू आ गया। हमें पता है कि टी एक्स वन की जगह पर हम वाई वन लिख सकते हैं और बीटा टी एक्स टू की जगह पर आप वाई टू यहाँ पर राइट कर सकते हैं। नाउ नाउ ये एलिमेंट जो कि अल्फा एक्स वन है प्लस बीटा एक्स टू है, इसकी मैपिंग आपके पास अल्फा वन और बीटा वाई टू आ रहा है, मतलब ये एलिमेंट जो है वो आर टी से बिलोंग कर रहे हैं। ये एलिमेंट जो है किससे बिलोंग कर रहे हैं, आर टी से, क्योंकि ये दोनों एलिमेंट जो है हमारे पास इसके इमेजेस से आ रहे हैं, मतलब ये आर टी से बिलोंग कर रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ टी ऑफ अल्फा एक्स वन प्लस बीटा ऑफ टू द एक्स टू जो है वो हमारे पास बिलोंग कर रहा है आर टी से।
ठीक है, अगर ये एलिमेंट इससे बिलोंग कर रहा है और ये वाले एलिमेंट इसके हैं, मतलब ये क्राइटेरिया अगर इसमें चला गया, मतलब अल्फा वाई वन प्लस बीटा वाई टू आर टी में चला गया, तो हमें ये क्या चीज़ शो करता है कि हमारे पास जो क्या नाम है इसके अंदर सब स्पेस का क्राइटेरिया इसमें मौजूद है। सब स्पेस के लिए हम यही करते हैं ना कि हम अल्फा एक्स वन प्लस बीटा एक्स टू लिख रहे थे वहां पर, क्योंकि वो वी वन के लिए वेक्टर स्पेस प्रूव करनी थी हमें, सब स्पेस सॉरी। अब वी टू के लिए करना है तो इसका मतलब ये दोनों एलिमेंट किसके होने चाहिए, वी टू के होने चाहिए। आप देख रहे हैं कि दोनों एलिमेंट वी टू के हैं, तो इस हिसाब से अल्फा वाई वन प्लस बीटा वाई टू अगर आर टी में बिलोंग कर गया तो ये इस चीज को इम्प्लाई कर रहा है कि आर ऑफ टू द टी इज अ सब स्पेस ऑफ वी टू। आई होप कि आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट न्यू वीडियो में एक नए लेक्चर के साथ आपके साथ मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।